सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरु पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं मुदीरयेत् सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहा पुत्रीदिदन्मैतयातरूभिनीदुःखतम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किरीटकैर्महार्हनिष्कै मन्यतमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं
कांचन चित्र नद्यम मालाधरं केशवम् अभ्युपे कांतिः सीता मृषतीनिन्दित शारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां सीतांग शोभा वृंदावनी अभिगृतया मुन गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रीतासुतं सर्गस्थिति निरोधार्थम् कामकाममयोहिय तं कामं कामकामग्नं कामाभावाय कामयेय व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्तः कलेर्ग्रहात् श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां च समन्वितं तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगले रूपिणीं कृष्ण प्रेम मयी राधा राधा प्रेम मयो हरि जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्णं गते मम नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्णं गते मम वृंदावनेश्वरी राधा
कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्णं गते मम जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्णं गते मम सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया श्री जी के द्वार और ऋषभान की नाडिनी ने कमेरी ओर निहां बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके युगल चैनन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम जिनके युगल चैनन में मेरो बार बार प्रणाम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय रूप उजियारी
तर तर तान्या
सुहासी प्यारो जय जय राधे।
श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी माँ भगवती जगत जननी जगत माया पराम्बा माँ मनसा, जिनके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वह अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस स्थान के ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं, मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय।
श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः बरसाने वाली के हेतु की कृपा हम सब के ऊपर हुई और इसी करे कृपा के परिणाम स्वरूप आप और हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पुण्य पवित्र चतुर्थ दिवस में राधा रानी की ही गोद में आके फिर से विराजमान हुए। धन्य ही यह भागवती वार्ता प्यारे और धन्य ही यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत होके जीव किशोरी जू के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। कल आप सबने श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेकों अनेक सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण किए। श्रवण किए हमने अनेकों अनेक भागवत के महात्म्य, भागवत की कथाएं। वामन चरित्र तक की कथा कल हमने श्रवण करी। पीछे के कुछ कथाक्रम कल जो रह गए उन्हीं पर थोड़ी चर्चा करते हुए हम आगे को बढ़ेंगे। आइए श्रवण करें हम आज भागवती महिमा, श्रवण करें हम कर्म की महिमा, कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हो, इसी चर्चा को सद्गुरुदेव श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा करी कि हे सद्गुरुदेव, नरकों की कथा सुनाई सद्गुरुदेव ने, किस नरक में जो जीव जाता है इस कर्म से जाता है, रौरव शालमल इत्यादि नरकों की कथा सुनाई। गदगद हुआ हृदय राजा का कथा श्रवण करके प्रश्न कर दिया राजा ने कि हे प्रभु, आपने विभिन्न नरकों की कथा सुनाई और उनमें दी जाने वाली यातनाओं का भी अद्भुत वर्णन किया। हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जीव इन यम यातनाओं से बच सके? कि बुरा कर्म तो हर मानव करता है, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। इस संसार में ऐसा कौन है प्यारे जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो, परंतु किए हुए कर्म का क्या प्रायश्चित भी हो सकता है? ये प्रश्न किया सद्गुरुदेव से राजा परीक्षित ने, लोक कल्याण का प्रश्न है। सद्गुरुदेव सुनाते हैं, हे प्रभु, मनुष्य वह जानता है कि पाप का भोग यम यातनाओं के द्वारा भोगना पड़ता है, फिर भी पाप कर्म में वहां संलग्न रहता है। जानता है मानव के मुझे किए हुए पाप का फल भोगना पड़ेगा, परंतु फिर भी बार बार बुरा कर्म करता रहता है प्यारे। तो क्या किए हुए पाप का कोई प्रायश्चित हो सकता है सद्गुरुदेव? सद्गुरुदेव बोले, हे राजन, मानव जाने अनजाने पाप करता ही रहता है। पाप करके अगर पाप का प्रायश्चित कर लेवे और पुनः फिर पाप की भावना हृदय में ना धारण होवे, ऐसा मानव का स्वभाव नहीं होता। प्रायश्चित करके भी पुनः फिर पाप कर बैठता है मानव। इसलिए किए हुए कर्म का फल तो मानव को भोगना ही पड़ेगा। उपाय पूछा तो कहा, प्रभु, कोई उपाय है ऐसा जिसके माध्यम से जीव किए हुए पाप से बच सके? सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, नाम में ही वो शक्ति है जो किए हुए बड़े से बड़े अघ को भी पाप को भी समाप्त कर सकती है। नाम में बड़ी शक्ति है प्यारे। इसलिए कहते हैं सद्गुरुदेव ने कथा सुनाई,
कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्चायां कलो तदहरी कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरुत रही पारा। नाम में बड़ी शक्ति है प्यारे, जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण उनके चरणारविंदों का ध्यान मन लगाकर कर लिया, उनके गुणानुवादों से जो जिसका हृदय गदगद हो गया प्यारे, उसकी मुक्ति संसार में निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्धति को बड़े सुंदर रूप में कहा, त्रिनादपे सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। कि प्यारे भव सागर से पार उतरने का मात्र एक सहारा है ये हरि नाम। और मेरे भगवान ने तो बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे समक्ष तू जैसे कैसे भी आ तो सही, मैं तेरा कल्याण करूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही, मानस कहती है सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कि जीव जैसे कैसे भी मेरे समक्ष आ जाए मैं उसका उसके पापों का विनाश कर देता हूं। गीता में साक्षात भगवान ने ये बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मां शुचः। दुनिया के सारे धर्म छोड़ के तू एकमात्र मेरी शरणागत हो जा, केवल मेरी शरणागत हो जा, निश्चित ही मैं अहं त्वां सर्वपापेभ्यो तेरे सारे पापों का हरण कर लूंगा, निश्चित ही मैं तुझे मुक्ति दूंगा, ये मेरा वचन है तुझसे। भगवान ने साक्षात ये बात कही प्यारे, कहा प्रभु क्या कोई उदाहरण भी है ऐसा कि नाम का सहारा लेके जीव भव से पार उतर जाए। सदगुरु कहते हैं हाँ है ऐसा उदाहरण मेरे पास, भागवत में साक्षात लिखा है। कथा सुनाई सदगुरुदेव ने आज के कानपुर की और उस समय की कन्या कुब्ज की। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् आसीत् पतेऽजामिलः नाम्ना नष्टः सदाचारु दास्यः संसर्गे दूषितः। कि उस समय के कन्याकुब्ज में आज के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसी परिवार में एक बालक था जिसका नाम था महाराज अजामिल। नाना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित, संसर्ग संगति दूषित हो गई इसीलिए कलुषित हो गए। तीन वाक्य धर्म के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुरा मत देखो, कहते हैं बुरा देखने से नेत्रों का दोष पैदा हो जाता है प्यारे। आंखों का दोष कहां से शुरू होता है? बुरा देखने से। भगवान ने आंखें जो हमें दी है ना, ये झूठी जगत का दर्शन करने के लिए नहीं, झूठे संसार को देखने के लिए नहीं, अपितु इन नेत्रों से हम सच्चे परमात्मा का दिग्दर्शन करें, सांवरे का दिग्दर्शन करें। इन आंखों का औचित्य ही यही है इस जगत में, गहना है हमारा ये आंखें। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, दुनिया कहती थी उनको कई बार कि महाराज आप मंदिर क्यों जाते हो, आपको कौन सा भगवान दिखाई देते हैं।
सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को देखूं या ना देखूं, वो भगवान तो है ना जो मुझे देख लेता है, उस सांवरे की दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ ही जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं भगवान को देखूं या ना देखूं, उसकी नजर तो मेरे ऊपर है ना प्यारे, रहती है नजर सांवरे की सदा हमारे ऊपर, मन की आंखों से, और मन की आंखें अगर जगत की आंखों से जुड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा ना हो जाए प्यारे। अंतःकरण की स्थिति प्रत्यक्ष रूप में जब दिखलाई देने लगे, स्वामी श्री मुकुंद हरी जी महाराज ने दो पंक्तियां लिखी थी कि मेरे ये आंखों के द्वार तो खुले हैं प्रभु, ये मन के द्वार भी अगर खुल जाएं तो, हाँ मुझे आशा है तेरे द्वार मेरे लिए सदा खुले रहेंगे, उन्होंने दो पंक्तियां गाई थी। परम सने खोलो द्वार, परम सने खोलो द्वार, परमात्मा के द्वार तो सदा हमारे लिए खुले हैं प्यारे। द्वार कौन से खुलने हैं, कहा मेरे अंतःकरण के द्वार खुल दे सांवरे। आंखों का आभूषण झूठा संसार देखना नहीं, आंखों का आभूषण है सच्चे सांवरे का दर्शन करना। कर्णों का आभूषण गहने पहनना नहीं है, कानों का आभूषण है ना कि कानों से हम भगवान की कथाओं को सुने। मार्जन अगर होगा कर्णों का तो भगवान की कथा से होगा प्यारे। वाणी, वाणी का भूषण झूठे संसार की चर्चा करना नहीं हो सकता, वाणी का भूषण है इस वाणी से हम भगवान के सद्गुणों को गाएं, सच्चे गुणों को गाएं हम वाणी से, यही हमारे जीवन का सच्चा भूषण हो सकता है। झूठे संसार की चर्चा करने से वाणी की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। संसर्ग सदा अच्छा होना चाहिए, सत्संगति सदा अच्छी होनी चाहिए। अजामिल की बिगड़ी थी, वन में सदा लकड़ियां लेने जाया करते थे अजामिल यज्ञ के लिए, आज भी गए थे लकड़ियां लेने, परंतु एक बुरा दृश्य देखा, बुरी स्त्री को देखा और उसे संग ले आए। घर में पत्नी थी, बालक था, सब कुछ था महाराज, सबको निकाल दिया और उस बुरी स्त्री के संग रहने लगे। जीवन में दाग कब लग जाए प्यारे, इस बात को केवल परमात्मा जानता है। एक गांव में एक संत रहा करते थे, उसी गांव में एक स्त्री भी रहा करती थी, बुरा कर्म करती थी। वो गणिका संत से
हमेशा एक बात पूछा करती थी, महाराज आपकी दाढ़ी सफेद है, इसमें कहीं कोई दाग तो नहीं? संत मौन होके निकल जाते, कभी कुछ ना बोला करते। समय बीतता गया बीतता गया, संत बूढ़े होते गए बूढ़े होते गए, और आज अंततः संत मरणासन पे आ गए, अर्थात अंतिम समय में आ गए। बिस्तर पे लेटे हैं संत, सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं कि महात्मन का लगता है समय आ गया है वैकुंठ जाने का। दुनिया ने पूछा, हे महात्मन क्या कोई अंतिम इच्छा है आपकी जिसे आप पूरी करना चाहें? महात्मा ने कहा, इच्छा तो है कि मेरे मन में, पूरी करोगे? कहा, हाँ महात्मन आप बताइए, हम पूर्ण करेंगे। कहा, उस स्त्री को एक बार मेरे सामने ले आओ। कहा, कौन सी स्त्री? कहा, जो गुणी का है। आंखों कानों को सब हाथ लगाने लगे, महाराज क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े महापुरुष हो, आपका अंतिम समय है, क्या गणिका का दर्शन करोगे? संत ने कहा, बस मेरी यही इच्छा है, अगर पूरी कर सको तो कर दो, नहीं तो रहने दो। कहा, ठीक है महात्मन, महात्मा की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। उस स्त्री को बुलाया गया और संत के समक्ष वो स्त्री आई। आज संत मुस्कुरा रहे हैं, आज संत मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं संसारी का जाना दुखदाई होता है, संसारी रोते रोते जाता है, संत हंसते हंसते जाता है। आज संत ने गणिका से पूछा, देवी तुम सदा मेरे से एक प्रश्न पूछा करती थी। कहा, कौन सा प्रश्न महात्मन? कहा, याद करो तुम क्या पूछती थी। कहा, हाँ प्रभु पूछती तो थी, परंतु अभी ये बात आप क्यों कह रहे हो, जीवन भर तो आपने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं। कहा, देवी एक बार और पूछो ना, मेरी इच्छा है तुम एक बार पूछो। गणिका ने कहा, महात्मन ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं पूछ रही हूं सबके बीच में, आपकी दाढ़ी सफेद है, इसमें कहीं कोई काला दाग तो नहीं? महात्मा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उठा के कहते, नहीं नहीं देवी, मेरी दाढ़ी में कोई काला दाग नहीं। गणिका ने पूछा, महात्मन ये बात तो पूरा जीवन निकल गया, आपने कभी इस बात का मुझे उत्तर नहीं दिया, मैं कब से कितने वर्षों से आपसे ये बात पूछ रही हूं। संत महात्मन बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे देवी, जब तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा था उस समय मुझे पता नहीं था कि कब मेरी सफेद दाढ़ी में कोई काला दाग लग जाए, तब तक मुझे ऐसा ज्ञात होता था कि मेरे तन में प्राण है, परंतु आज मुझे पता है मैं जाने वाला हूं संसार से, अब मैं भरोसे से कह सकता हूं कि मेरा सारा जीवन निष्कलंक है, मेरे जीवन में कोई दाग नहीं है। काल का भरोसा नहीं होता प्यारे कि किससे क्या करवा दे। आज संत ने ये बात कही, अजामिल का जीवन तपोमय था, सब कुछ अच्छा था, संसर्ग के कारण कहते हैं जीवन बदल गया, दुस्संग के कारण जीवन बदल गया। बुरी स्त्री को घर में लाया, लाके रख लिया, बच्चों को निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया। वो अजामिल जो कभी यज्ञ किया करता था आज पाप करने लगा, चोरी करता है, व्यभिचार करता है। समय बीतता गया महाराज, आज चोरी करके आया था कहीं से, उससे पहले ही कुछ महात्मा अजामिल के द्वार पे पहुंचे। 9 संतानें हो चुकी थी उस स्त्री से अजामिल के, 10वीं संतान आज गर्भ में थी। प्रभु संतों ने आज अजामिल की पत्नी से कहा, देवी प्रसादी ग्रहण करनी है, हमें भूख लगी है। उस देवी ने कहा, महात्मन
कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूं, गर्भ से हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। चर्चा चल रही थी उसी समय अजामिल चोरी करके आया और आके संतों को देखकर क्रोधित होते हुए बोला कि तुम यहां से चले जाओ, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें अभी तक लूटा नहीं है, चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें लूट लूंगा। संत मुस्कुरा के मानो कहते हो प्यारे हम तो आए ही लुटवाने हैं, हम तो आए ही लुटवाने हैं और जो हमारे पास है ना लूटने के लिए, अगर तुम उसको लूट लोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। राम नाम की लूट है हमारे पास, लूट सके तो लूट लो प्यारे। संतों के पास क्या हो सकता है, कहा केवल राम नाम हो सकता है, अगर उसे लूटना है तो लूट लो, हम तो लुटवाने आए हैं। संतों ने कहा हे देवी हे अजामिल तुम्हारे घर में 9 संतानें हुई, चलो तुम हमें कुछ दे तो नहीं सकते परंतु हमसे कुछ ले तो सकते हो। कहा क्या दोगे? अजामिल तो क्रोध में बोला, परंतु पत्नी प्रेम से बोली कि संत कुछ दे और हम ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। संतों ने कहा 9 संतानें तुम्हारे घर में हुई, उनका नाम तुमने अपने अनुसार रखा, घर में जो 10वीं संतान होने वाली है उसका नाम तुम हमारे अनुसार रख देना। ठीक है प्रभु। संतों ने झोली में नारायण नाम डाल दिया। समय बीता, 10वीं संतान हुई, अजामिल तो भूल गया था हर्ष में, परंतु पत्नी को याद रहा, इसलिए 10वीं संतान का नाम नारायण रखा। पिता की सबसे अधिक आसक्ति सबसे छोटी संतान में होती है, इसलिए अजामिल हर समय कंधे पे बिठाता पुत्र को और हे नारायण हे नारायण हे बेटा नारायण। आसक्ति बढ़ती चली गई पुत्र में, बेटे में अत्यधिक आसक्ति हो गई, फिर तो सोते जागते उठते बैठते पुत्र को पुकारता, खेलते खेलते अगर पुत्र कहीं दूर चला जाता प्यारे प्राण कंठ में आ जाते, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायण हृदम प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रियः। कि प्यारे समय बीतता गया और एक दिन कंधे पे बिठा के अपने पुत्र को खिला रहा है अजामिल, एक पत्थर आया सामने से, उस पत्थर में पांव फंसा, अजामिल नीचे गिरा और प्रभु यूं कहते कहते आज अजामिल के प्राण नारायण नारायण करते हुए ही निकल गए। और जो नाम बड़े बड़े संत महापुरुषों की वाणी पर भी अंतिम समय में नहीं आता, कहते हैं आज वो नाम अजामिल की वाणी पर आ गया। जन्म मुनि जतन कराही अंतराम के वतना, सब सपना राम सिया राम
अनंत काने चमामेव स्मरण मुक्त्वा कनेवरम यह पर्याति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः अंतगति सो मति प्यारे अंतमति सो गति हाँ अंत समय में जैसी मति होती है ना जीव की गति भी वैसी ही होती है इसलिए कहते हैं कि आज यमदूत आ गए लेने के लिए यमदूत आ गए प्यारे परंतु यमदूतों से पहले ही हरि पार्षद पहुंच गए हरि परिषदों को देखकर यमदूतों ने कहा महाराज आप गलत आ गए लगता है ये बहुत बड़ा पापी है बड़े बड़े पाप किए इसने जीवन में कहा भले बड़े बड़े पाप किए हों परंतु इसने अंतिम समय में हमारे नारायण भगवान को पुकारा है पाप गिनवाने लगे यमदूत महाराज इसने ये किया इसने वो किया इसने ऐसा किया इसने वैसा किया प्रभु हरि पार्षद कहते हैं इसने जो भी किया हो कहा महाराज इसने आपके नारायण भगवान को भी नहीं पुकारा इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा था इसके बेटे का नाम नारायण है इसने तो अपने बेटे को पुकारा कहा भले ही बेटे को पुकारा हो परंतु नारायण तो वो एक ही है नारायण तो हमारे स्वामी का ही नाम है नारायण तो हमारे स्वामी का ही नाम है इसलिए इसने नारायण रूपी नाम का सत्संग कर लिया है निशम्य म्रिय मानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भरतुर नाम महाराज पार्षदः सहसा पतन पार्षद सहसा पतन ये प्यारे हे यमदूतो तुम इसे नहीं ले जा सकते कहते हैं यमदूत वहां से सीधे भगवान श्री नारायण को स्मरण करते हुए यमलोक को पहुंचे महाराज यमराज को प्रणाम किया कहा महाराज आज तक जिस सत्ता का हमें बोध नहीं था हमें ज्ञान नहीं था क्या इस संसार में कोई ऐसी भी सत्ता है जो आपके नाम से बड़ी है हमने तो सुना था संसार के सारे पापों के कर्मों को देने वाले आप हो क्या आपसे बड़ी भी कोई सत्ता है आज यमदूतों से यमराज ने कहा हे यमदूतो मैं तो लेखा जोखा करने वाला हूँ इस संसार में मेरे से बड़ी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका नाम है नारायण नाम की शक्ति नारायण नाम की सत्ता और नारायण नाम की सत्ता ही सारे जगत में चलती है कहा महाराज फिर तो ठीक ही कहा था हरि पार्षदों ने कि इसने अंतिम समय में नारायण नाम पुकारा भले ही जीवन में जो भी कर्म किया हो अंतिम समय में भगवान को पुकार लिया है महाराज यमराज कहते हैं कि अग्नि का स्पर्श चाहे जीव जाने में करे या अनजाने में माताएं भोजन बनाती हैं घर में कई बार गलती से हाथ लग जाता है आग को आग क्या करती है हाथ जला देती है अग्नि का स्पर्श चाहे हम जाने में करें या अनजाने में अग्नि का कार्य है जलाना ठीक उसी प्रकार से भगवान नाम को जीव जानने में ले आने जाने में भगवान नाम का कार्य है जीव को भव से उतारना परमात्मा का नाम जीव को भव से उतारता है इसलिए इसने अंतिम समय में नारायण को पुकारा है
तो ये वैकुंठ को ही जाएगा। प्रभु ये चर्चा जब चल रही थी ना हरि पार्षदों और यमदूतों की, अजामिल को अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित हो रहा था कि मैंने कितने जब पाप गिनाए जा रहे थे ना, तो समय प्रायश्चित हो रहा था कि मैंने जीवन में ये पाप क्यों किए। पापों के प्रायश्चित का बोध भी जीव को जीवन में सदगति दे सकता है प्यारे, बोध भी हो जाए कि मैंने ये पाप किया है। आज के मानव को तो आज का मानव तो सोचता भी नहीं कि मैंने ये पाप किया है, मैं इसका प्रायश्चित करूं। अयम ही कृतनिर्वेशो जन्म कोटि यदि वैजहार विवशो नाम स्वस्ते नम हरि नाम स्वस्ते नम हरि। यमदूत तो इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है। इसलिए महाराज यमदूतों के फंदे से मुक्त होके अजामिल चल पड़े सीधे गंगा के द्वार की ओर, चल पड़े गंगा तट की ओर। द्विजह पाशाद विनिर्मुक्तो गत भी प्रकृतिम गतः ववंदे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव किंकरान दर्शनोत्सव। यमदूतों के फंदे से छुटकर निर्भय और स्वस्थ होकर कहते हैं सिर झुका के प्रणाम करके आज अजामिल गंगा के द्वार पर बैठकर हरि भक्ति करते हैं। मुक्ति का द्वार है गंगा प्यारे। जीवन में अगर कभी लगने लग जाए ना कि हाँ बस बहुत हो गया संसार, तो फिर राह पकड़ लेनी चाहिए तीर्थों की। कभी आराम देना चाहिए संसार से भी, अपने तन को, अपने वाणी को, अपने जीवन को, और गंगा का द्वार गंगा का तट लेकर कहते हैं वहां बैठ के निधि ध्यान करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। गंगा से बढ़िया आत्मचिंतन का कोई दूसरा स्थान नहीं है। इसलिए आज इति जात वेद क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारं मुपयाय मुक्त सर्वानुबंधन मुक्त सर्वानुबंधन। इति जातः सुंदर वेदः क्षण संगेन साधुषु। कहते हैं संत का क्षण मिल जाए, संत का समय मिल जाए और गंगा का द्वार मिल जाए तो प्यारे मुक्ति संसार में फिर किसकी ना हो जाए। हाँ किसकी मुक्ति ना हो जाए। आज अजामिल गंगा के द्वार पर बैठ के संतों का संग करते हैं, हरि चर्चा करते हैं संतों के संग बैठ के, हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, परमात्मा को ही अपने जीवन का सदाधार मानते हैं और उसी चर्चा को जीवन में धारण करते हुए। हाँ संग मिल जाए साधु का प्यारे तो जीवन में तरंगे अपने आप उठने लग जाती हैं, जीवन में भाव अपने आप उठने लग जाते हैं। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, ओए तेरे पेड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरे पेड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन दोनों हाथ ऊपर उठा तेरा है, हरी सुंदर में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरी सुंदर में लाग रे
बात कहते हैं संत संत मोहिनी श्याम भजन खोए मोहिनी श्याम भजन में खोए मोहिनी श्याम बहुत दिन से तो हंस करेंगे मिट जाए दाग रे मिट जाए दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी सुत बिन नारी तीना शाने त्याग सके तो त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी कि प्यारे ये द्वंद समाप्त हो जाए जीवन के हमारे संत समागम हरी कथा दो दुर्लभ जगमाए हैं हाँ। बसी दो ही तो कठिन है जीवन में हाँ। कि कहीं संत का संग मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए हाँ। बाकी सब आसान है प्यारे बसी दो कठिन है जिसे मिल गई हाँ। उसका जीवन तर गया और मानव तो न जाने क्यों दुनिया के द्वंद्व में यूं उदास रहता है हाँ। कि प्रभु की कृपा बरसती है भगवान के नाम में हाँ श्रृंगार यहाँ हो रहा और तू उदास है अचरज है जल में रह के भी पानी को प्यास है कि हे मानव हाँ। अगर कहीं तुझे भगवान नाम मिल रहा हो ना उसे छोड़ना मत हाँ। दुनिया के बाकी जितने रस हैं हाँ। शायद वो
तेरी प्यास ना बुझा सके, परंतु एक हरि नाम ही है, हरि नाम रूपी अमृत ही है जो तेरे जीवन की आध्यात्मिक प्यास को मिटा सकता है। इसलिए आत्मा का अगर कल्याण करना है ना प्यारे, भगवान नाम से बढ़िया कोई साधन नहीं है। कहते हैं कि अजामिल ने अपने जीवन को हरि भक्ति में लगाया। हित्वा कले वरम तीर्थे गंगाया दर्शन सत्य स्वरूपम जगृहे भगवत पार्षद वर्तिताम भगवत पार्षद वर्तिताम हित्वा कलेवरम तीर्थे और गंगायाम दर्शनादनु तीर्थ का सेवन करके गंगा का दर्शन करके ध्यान में अपने जीवन को लगा के अंततः आज वैकुंठ से वो हरि पार्षद आए और आज अजामिल की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजामिल ने पार्षदों का दर्शन किया, प्रणाम किया और कहते हैं कि उस विमान में आरूढ़ होके अजामिल भगवान नाम के सुधाम को वैकुंठ को चले गए। कि प्यारे इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि सोचो जरा, अगर अजामिल अंतिम समय में नारायण नाम लेके इस भव से तर सकता है, गलती से भी भगवान का नाम लेके तर सकता है, तो हमारे पास तो सोचने समझने विमर्श विचार करने का कितना समय है। कि विचार करके अगर मानव प्रभु नाम को ही अपने जीवन का सदाधार मान ले, जितना भी समय हम जगत के व्यर्थ दुर्व्यसनों में गवाते हैं, अगर उसका थोड़ा समय भी हम हरि नाम को दे दें, भगवान नाम को दे दें, तो किसका कल्याण ना हो जाए जीवन में प्यारे, किसका कल्याण ना हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग तो नाम का आधार है, परंतु नाम लेने के लिए भी तो धैर्य चाहिए, थोड़ा बहुत तो धैर्य रखना पड़ेगा, कल्याण तो निश्चित हो जाएगा प्यारे अगर हमारा धैर्य। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, धारणा की दृढ़ता और उद्देश्य की पवित्रता, ये दोनों मिलकर एक दिन अवश्य ही बाजी मार ले जाएंगे। धारणा हमारी दृढ़ हो और विश्वास हमारा पक्का हो, तो प्यारे संसार में फिर किसका कल्याण ना हो जाए। आइए इसी अजान लो पख्यान को प्रणाम करते हुए हम और आप सब श्रवण करें श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनी कथा। एक और प्यारा चरित्र जो चरित्र है श्री प्रह्लाद जी महाराज का। एवं लब्धं वरो दैत्यो विश्रद्धमेमं मयं वपुः भगवते करो द्वेषम् भ्रातृर्वध मनोस्मरण। हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध के कारण भगवान से द्वेष रखने लगा था, इसलिए भगवान को पराजित करने के लिए कंदराओं में जाके उसने बड़ा भारी तप प्रारंभ कर दिया। इस अवसर को जान के देवताओं ने दैत्यपुरी पे आक्रमण कर दिया और महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र अपने साथ ले आया। रास्ते में नारद जी मिल गए, कहा इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? कहा महाराज इसके गर्भ में तेजस्वी बालक पल रहा है, उसे मारूंगा और इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा इसे तुम नहीं मार सकते, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये हरि का भक्त होगा। इसलिए कयाधु जी को श्री नारद जी आश्रम लाए और कयाधु को सुंदर सुंदर भागवत भगवान का उपदेश दिया।
कथा सुनाई नारायण नाम की और गर्भ में पल रहे बालक को भी वो कथा मिली। अभी हमने प्रसंग श्रवण किया था ना अजामिल का, और उससे पहले भागवत में प्रसंग श्रवण किया था हमने परीक्षित का कि गर्भ की स्थिति में माताओं को केवल और केवल भगवान नाम सुनना चाहिए। गर्भ में जब बालक हो ना तो उस समय केवल भगवान नाम सुनना चाहिए। गर्भ की स्थिति में सुना गया भगवान नाम तपस्वी बालक को जन्म देता है, और बालक का नामकरण जब हो तो बालक का नाम, हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे जो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखा करते थे, बड़े समझदार होते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। क्यों रखते थे, क्या नाम रखते थे, राम कृष्ण नारायण विष्णु, ये नाम क्यों रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जाने अनजाने में ही सही 150 बार तो पूरे गांव वालों के मुख से दिन में, और 200-400 बार घर वालों के मुख से दिन में अनजाने में ही भगवान का नाम निकल जाया करता था। अपने बेटे को बुलाते थे, अरे नारायण अरे विष्णु अरे राम, और वो अनजाने में ही भगवान का नाम इतनी बार ले लिया करते थे। इसलिए नाम की सार्थकता इसी में है कि नाम भगवान के नाम पे हो, यही तो कारण था भगवान का नाम रखने का। इसलिए हमें भी अपने बच्चों के नाम भगवान नाम पे रखने चाहिए। प्रभु कयाधु ने बड़े सुंदर सुंदर सत्संग सुने, इसलिए बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। मां भी बन गया था शरीर हिरण्यकश्यप का तप कर करके, शरीर के ऊपर आज बाबी बन गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था शरीर, तप में इतना संलग्न हुए थे हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते आज आशीर्वाद देने गए, वचन पूरा करने गए, ढूंढा कहीं मिले नहीं, दिव्य दृष्टि से देखा बाबी बने पड़े हैं, जल का छींचा दिया अपने रूप में आया हिरण्यकश्यप, कहा मांग क्या मांगता है, बताओ क्या मांगते हो। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ, स्तुति करी ब्रह्मा जी की 6 श्लोकों में, और कहा हे ब्रह्मा जी मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, संसार में जो आया है वो मरेगा, निश्चित है। अच्छा सोचा हिरण्यकश्यप ने, सोच के वरदान मांगा, न दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ना अंबर में मरूं ना पृथ्वी पे मरूं, 12 महीनों में मैं किसी महीने में ना मरूं, बड़ा सोच के वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ने सोचा असंभव था, ये कठिन था, परंतु फिर भी कह दिया तथास्तु। पूछा था ब्रह्मा जी जब गए ना नारायण ने, अरे ब्रह्मा जी किसके बल पे वरदान दे आए तुम, कहा प्रभु जिसके ऊपर आपका बल हो फिर भला उसकी वाणी से कोई शब्द निकल जाए तो आप ही तो उसे पूर्ण करते हो, मैं तो आपके बल पे हूं। कहा ठीक है ब्रह्मा जी, दे दिया तो फिर पूरा भी करूंगा। प्रभु हिरण्यकश्यप आतताई हो गया, वरदान को पाके इंद्रासन पे जम बैठा, देवताओं को लोकपालों को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया, पाप पे पाप होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज पाप का शासन हो गया चारों दिशाओं में, समस्त देवता भयभीत हो गए, कंदराओं में जा जाके झुक गए। आज मानो देवता भयभीत होके
जब डर रहे थे तो कहते हैं भगवान की ही आकाशवाणी हुई। यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषः सवाशु विनश्यति सवाशु विनश्यति। देवगण धीरज रखो, देव वेद ब्राह्मण साधु एवं धर्म से द्वेष रखने वाले का शीघ्र विनाश होता है। ऐसे पापियों का विनाश होता है जो देव से वेद से ब्राह्मण से गौ से गंगा से गायत्री से ईर्ष्या रखता है। एकल धर्म आजकल काल में बड़े पैदा हो गए। जो सनातन से द्वेष रखेगा उसका विनाश निश्चित होगा। ये बात भागवत में लिख दी गई है। इसलिए कहते हैं आतताई हिरण्यकश्यपु का कर्मण बड़ा। और प्रभु आज नारद जी के पास जाकर अपनी पत्नी को लेकर आए, महल में लेके आए, बेटे को गोद में बिठाया, कहा पुत्र क्या सीखा तुमने। पुत्र के स्वभाव को जानने के लिए आज पिता ने पुत्र से चर्चा करी। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे पिताजी, इस जगत का केवल एकमात्र आश्रय है भगवान नाम। प्रभु को ही अपने जीवन का जिसने आधार मान लिया उसी का ही कल्याण हो सकता है, ये निश्चित बात है। इसलिए मानव को बुद्धि सहित मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। क्रोध से तिल मिलाया महाराज हिरण्यकश्यप, अरे द्रोही बताओ और तूने क्या सीखा। क्रोध में फिर बोला बता तूने क्या सीखा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशम सख्यम आत्म निवेदनम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा को श्रवण करना चाहिए, उसी के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यह त्रायतेति संकीर्तनम, यह तापात पापात त्रायतेति संकीर्तनम। विष्णु स्मरणम भगवान को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। पाद सेवनम चरणों की उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्चनम उन्हीं के नाम की अर्चना करनी चाहिए, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, उन्हीं की वंदना करनी चाहिए। साक्षम उन्हीं से संबंध बन जाना चाहिए, उन्हीं का दास जीव बन जाए, आत्मा का निवेदन उन्हीं के चरणों में करे। यही मैंने आज तक जीवन में सीखा। क्रोध में तिल मिलाया हिरण्यकश्यपु खड़ग उठा ली, रे दुष्ट दैत्य धर्म का तू विरोधी है, विष्णु नाम का प्रचार करता है, मेरे शत्रु का प्रचार करता है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। खड़ग उठा ली मारने के लिए, कयादु जी ने छुड़ाया बालक को। अरे इस पे क्यों क्रोधित तो होते हो, तुम्हारे दैत्य विद्यालय में ही अगर ऐसी शिक्षा दी जाती होगी तो मेरे बालक का क्या दोष। माँ ने बच्चे को बचाया, षण मरक को बुलाया। महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी के दो पुत्र, और इनको बुला के महाराज कहा इनको दैत्य विधि से शिक्षा दो। श्री प्रहलाद जी महाराज को दैत्य विद्यालय में डाल दिया गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज एक दिन की बात, प्रहलाद जी महाराज विद्यालय पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में एक दृश्य देखा, एक अवाक जली थी अग्नि, और एक कुम्हारिन हाथ में माला लेके अग्नि की परिक्रमा लगा रही थी। महाराज
प्रहलाद जी महाराज देख रहे हैं उसको, बड़े अचंभित हैं। कहे देवी किसका नाम ले रही हो? कह मैं नारायण का नाम ले रही हूं। अरे हिरण्यकश्यप के राज्य में तू नारायण का नाम ले रही, तुझे जरा भी डर नहीं लगता? तुझे सूली पे टांग देगा वो। क्या प्रभु, जो अपराध मैंने किया है ना, अगर उसके प्रायश्चित के बदले मुझे सूली पे भी टंगना पड़ जाए तो वो भी कम है। कौन सा अपराध कर दिया तुमने? रोती हुई वो स्त्री कहती है कि हे बालक, जिस समय मैं अग्नि में कच्चे घड़े लगा रही थी, एक घड़े में छोटे छोटे दो बिल्ली के बच्चे बैठे थे। मैंने सोचा बाद में इनको अलग कर दूंगी, परंतु गलती से ढकने के कारण मैंने वो घड़ा भी आग में लगा दिया, हवा में लगा दिया। अब मैं उनके बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु उनकी रक्षा करना और मुझे पाप से बचाना। प्रहलाद जी कहते हैं तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे नारायण उनको बचा लेंगे? हाँ विश्वास है मुझे, वो बचाएंगे। ठीक है देवी, मैं भी देखता हूँ खड़ी होके। कहा कब तक परिक्रमा लगाओगी? कहा जब तक हवा की अग्नि शांत नहीं होगी। परिक्रमा लगाते लगाते शाम हो गई और जैसे ही वो अग्नि शांत हुई, दौड़ के कुम्हारी ने जैसे ही वो मटका खोला, उसमें जो दो वो बच्चे थे वो बीच में ही खेल रहे हैं, मुस्कुराए, प्रसन्न हुए श्री प्रहलाद जी महाराज। और प्रसन्न होके जाक राखे साईया मार सके ना कोई, बाल न पाका कर सके जो जग मेरी होई, बाल न पाका कर सके जो जग मेरी होई। अरे जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हो उसका दुनिया क्या बिगाड़ ले वे प्यारे। हाँ विश्वास और पक्का हो गया भगवान के नाम के ऊपर फिर तो। महाराज विद्यालय गए पढ़ने के लिए, एक दिन कहीं गलती से चंडमरक कहीं चले गए और श्री प्रहलाद जी महाराज दैत्य बालकों को हरि नाम का गुणगान कराने लगे, हरि नाम उच्चारण कराने लगे। और कहते हैं कि वहां पे संकीर्तन शुरू हो गया हरि नाम का। हा? हा? और जैसे ही वो संकीर्तन चला, दैत्य बालक संकीर्तन में खो गए, हरि नाम में खो गए। चंडमरक कहीं बाहर से आए, आके कक्ष में आवाज, दरवाजा बंद था, आवाज कहीं आ नहीं रही थी। खिड़की से जाके देखा, सारे दैत्य बालक हरि नाम में खोए हैं, प्रभु नाम में खोए हैं। हिरण्यकश्यप को संदेश भेजा, दूत को भेजा हिरण्यकश्यप ने, तो वो दूत भी हरि नाम की धुन में खो गया। दूसरा भेजा, दूसरा भी खो गया। तीसरा भेजा, तीसरा भी खो गया। चौथा भेजा, चौथा भी खो गया। महाराज वो दैत्य गुरु भी हरि नाम में खो गए, सब हरि नाम में खो गए। अंततः हिरण्यकश्यप स्वयं देखने आया। एक समय तो सड़कों के ऊपर सब हरि नाम में खोए हैं, प्रभु नाम में खोए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजन नारायण।
अहो भाग्य सत्संग का कि प्यारे जिसमें जड़मती भी पापमती भी हरि नाम में खो जाए, ऐसी कृपा है सत्संग की। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्तिम दिशतिम पापम पाकरोति चेता प्रसादेति दिक्षु तनोति कीर्तिम तथ्या सत्संगति किम न करोति पुंसाम। बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देता है, वाणी का सिंचन कर देता है। मानोन्तिम दिशतिम हमारी कीर्ति को दसों दिशाओं में फैला देता है। कथ्या सत्संगति किम न करोति पुंसाम। बताओ मेरे प्यारे, ये सत्संग क्या करने में समर्थ्यवान नहीं है? सत्संग सब कुछ कर सकता है। हिरण्यकश्यप खोया परंतु थोड़ी ही देर में पापमती जाग गई, मैं तो दैत्य हूं। यात्रा शुरू हुई श्री प्रहलाद जी महाराज की, कारागृह में डाल दिया गया महाराज। पंसनी सो बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तेरे बारन सो मारी मारी हारे है, गिरी ते गिराए दियो डर बेतने गई। तब मद मत वारे भारे हाथी तेरे डारे हैं, फिरे सिर आरते अग्नि माहे जा रे, और पीछे मीड़ गातन लगाए नाग कारे। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसी प्रह्लाद पूरे प्रेम अवतारे। कि प्यारे काल कोठरी में डाल दिया गया श्री प्रह्लाद जी महाराज को, और 7 दिन तक काल कोठरी में पड़े रहे। मां का हृदय रोया। आज 7 दिन बाद जब प्रहलाद जी महाराज काल कोठरी से निकले, कहा मेरे बेटे हे पुत्र, तूने 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, यूं कह के मां रोई। करी मैया, हर रोज तुम ही तो मुझे भोजन कराने आती थी काल कोठरी में, क्या भूल गई हो? कहा क्या बेटा? अरे मेरे लाल, मैंने तो तुझे 7 दिन से देखा तक नहीं। कहा मैया, फिर वो कौन थी तुम्हारी सी? कहा बेटा बस वो होंगे वही तेरे नारायण। कहा क्या मैया, वो नारी भी बन सकते हैं? कहा बेटा वो नर भी बन सकते हैं, वो नारी भी बन सकते हैं, वो अपने भक्त के लिए सब कुछ बन सकते हैं, वो अपने प्यारे के लिए सब कुछ बन सकते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया। भक्ति में अगर जीव को ज्यादा सताए जाए ना, उसका विश्वास उतना ही पक्का होता चला जाता है। जितने जहर के प्याले दिए जाए उतने ही अमृत बनते चले जाते हैं प्यारे। गर्जना करी हिरण्यकश्यप ने, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो तलवार जब उठी तो वो तलवार भी पुष्प बन जाए महाराज। होलिका को कहा इसको आग में लेके बैठ जाओ, होलिका जल गई, प्रहलाद जी महाराज को कुछ ना हुआ। पूछा हिरण्यकश्यप ने, हे प्रहलाद तुम्हें आग ने जलाया नहीं? अग्निश्च शीतल मया तो उल्लच्छ स्थिरताम गतः शस्त्राणि पुष्प भावम च हरिर्नामानुकीर्तनात् राम नाम जपताम कुतो भयं सर्वताप शमनेक भेषजम् पश्यतात् मम गात्र सन्निधौ
पाव को अपी सलिलायते अधुना। राम नाम जपने वाले को भय का क्या कारण है? इस विश्वास पर तो तपते तपते से खंबे के ऊपर चीटी को देखकर प्रहलाद जी महाराज भी उससे चिपक गए। हाँ, के खंबे आ मुझे जला, हाँ, परंतु वो खंबा भी शीतल बन गए महाराज। हाँ, वो खंबा भी शीतल बन गए। और कहते हैं, कंदराओं से गिराया, पानी में डुबाया, परंतु भक्त के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। जितनी यातनाएं दी जाती प्रहलाद जी महाराज उतना मुस्कुराते हैं, उतना मुस्कुराते हैं। और अंततः आज क्रोध में तिलमिलाया हुआ हिरण्यकश्यप कहता है, हे दुर्विनीत मन्मदात मन्मदात मन्मन कुल भेद करा धम स्तब्धम मच्छा सनो धूतम निश्चित वाद्य यमक्षयम निश्चित वाद्य यमक्षयम। अरे मंद बुद्धि शशश, तूने मेरी आज्ञा न मानकर कुल की परंपरा को नष्ट किया है। अन्य बालकों की बुद्धि भी तूने खराब करी है, इसलिए अब तू यमलोक जाने की तैयारी कर ले। हाँ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू किसके बल के ऊपर इतना उछल रहा है? प्रहलाद जी मुस्कुराए, हे पिताजी, मुझे तो एक बात मात्र बल है, हरि नाम का। मैं तो बस एक बल के सहारे ही हूँ, जिस बल का नाम है कृष्ण नाम, हरि नाम। हाँ, वे जगदीश्वर शक्तिमान तथा सर्वत्र विद्यमान हैं। ऐसा सुनते ही क्रोध में आग बबूला हुए हिरण्यकश्यपु, अच्छा, तेरा भगवान हर जगह पे है? कहा, हाँ, मेरे भगवान हर जगह पे है। क्रोध में तिल मिलाए, कहा, तेरे भगवान इस खंबे में भी है। और जैसे ही कहा तेरे भगवान इस खंबे में ही भी है, प्रहलाद जी महाराज की दृष्टि उस खंबे पे गई। और उस खंबे में ही प्रहलाद जी महाराज मानो भगवान का दर्शन करने लगे। खंबे ही भगवान की प्रतिमा को देख लिया और वहीं पर ध्यान मग्न हो गए। क्रोध में तिल मिलाया हिरण्यकश्यपु, मेरा परिहास बनाता है, मेरा मजाक बनाता है, तुझे खंबे में दिख रहा है वो, अभी तेरे वहम को निकालता हूं। और कहते हैं, यूं कह के अपनी गदा उठाई, गदा उठाई और बड़े जोर से खंब के ऊपर प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार हुआ, खंब टूटा और खंब में से कहते हैं स्वयं श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो, नरसिंह भगवान की धूल ही धूल हो गई चारों दिशाओं में, आंखों से कुछ दिखे नहीं हिरण्यकश्यप को। और कहते हैं, नरसिंह भगवान ने जब अपना विकलार रूप दिखाया, हिरण्यकश्यप मानो डर के मारे हिरण्यकश्यप की छाती फटने लगे। परंतु अभिमान में भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया, प्रहार किया भगवान के ऊपर। प्यारे मेरे भगवान ने थोड़ी देर खिलाया हिरण्यकश्यप को, फिर पकड़ा और पकड़ के अपनी जंघा के ऊपर लेटाया, देहरी के ऊपर भगवान ले गए। कहा, देख हिरण्यकश्यप, तूने वरदान मांगा था, तूने वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। दिन छुपा हुआ है, ना दिन है ना रात है, ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो देहरी के ऊपर है। नर से मरूं ना नारायण से, ना मैं नर हूं ना मैं नारायण में, तो नरसिंह हूं। ये सब कुछ मांग लिया तो मांग लिया, आसान था। तूने तो ये भी कहा था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया। अब बता, और कुछ याद है तुझे? हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहा, जीव जब पाप में अंधा हो जाता है उसे कुछ दिखता नहीं, मद में चूर जो हो जाता है उसे संसार में कुछ दिखता नहीं। ना पश्यति कामांधो जन्मांधो नैव पश्यति, ना पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषम न पश्यति। तो मद में चूर था इसलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
इसलिए मेरे भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण कर दिया, छाती फाड़ दी, आंतों को निकाला और अपने गले में धारण कर लिया। ऐसे विकराल रूप को देखकर देवता भयभीत हो गए। हाँ महाराज, दैत्य तो दैत्य, देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसा विकराल रूप भगवान ने पहली बार बनाया था। सब दौड़े, ब्रह्मा जी इत्यादि देवता भी दूर दूर खड़े हुए हैं, कोई पास नहीं जा रहा, ऐसा क्रोधित स्वरूप मेरे भगवान का। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी आपके तो पति हैं, यहाँ आप जाओ जरा शांत करो। हाँ लक्ष्मी जी एक बार तो आगे गई, जैसे ही दहाड़ सुनी नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी जी भी पीछे भाग गई। अब महाराज कोई देवता सामने ना आए ऐसे भयानक रूप को देख के। अंततः श्री प्रहलाद जी महाराज, ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि हे पुत्र अब तुम्हें ही आगे जाना होगा। छोटे से श्री प्रहलाद जी महाराज आज बड़े धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे दिव्य बालक को देख के कहते हैं हम, आज भगवान का क्रोध भी शांत हो रहा है।